आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सोमवती अमावस्या है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान और दान धर्म का भी विशेष महत्व है। आपको आज जरूर कुछ न कुछ दान करना चाहिए। गरीबों को, गायों को चारा डालना चाहिए और सोमवती अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध वगैरह भी किया जा सकता है। और साथ ही ऐसे मान्यता दोस्तों कि आज के दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं तो जिंदगी के कष्ट दूर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए गोरखपुर के अंधियारी बाग स्थित मानसरोवर शिव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां दर्शन पूजन कर दूध चढ़ाया। बड़ी खबर आ रही, विधान भवन में सीएम योगी ने किया विदाई डिजिटल वीथिका का शुभारंभ और इसका लोकार्पण करते हुए वो बोले कि अब हिंदी और अंग्रेजी में विधानसभा के इतिहास को पढ़ सकेंगे लोग। विधान भवन में ये डिजिटल विदाई वीथिका यानी लेजिस्लेटिव गैलरी का लोकार्पण किया। अच्छा, प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही। देखिए आप, सीएम योगी सिटी गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए रीजनल स्टेडियम के कायाकल्प की घोषणा कर चुके हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के जिले के खिलाड़ियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर गोरखपुर रीजनल स्टेडियम का कायाकल्प यानी रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जहां दर्शकों के बैठने, खेल मैदान का नए सिरे से विकास होने के साथ साथ अच्छी व्यवस्थाएं भी की जाएगी। वह देखिए गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी लोगों की फरियाद, जनता दरबार लगाया और बोले कि थाने पर क्यों नहीं निपटाए जा रहे मामले। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में कोरोना के 13 एक्टिव केस अभी अवेलेबल है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में एक नया संक्रमित मिला। गाजियाबाद और लखनऊ में अभी सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। मौसम समाचार पर खबर आ रही दोस्तों कि रात में हल्की ठंड लेकिन दिन भर धूप से चढ़ रहा पारा। नोएडा से लेकर वाराणसी तक यूपी में कुछ यूं ही माहौल चल रहा। वैसे कोहरे की वजह से कुछ एक्सीडेंट भी हुए पिछले 24 घंटों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में कोहरे से दो हादसे हुए जिसमें 40 गाड़ियां टकरा गई और इनमें दो स्कूली छात्र समेत 30 लोग घायल भी हो गए। गाजियाबाद और बागपत की ये घटना है। मतलब दिन में इतनी गर्मी पड़ रही है उसके बावजूद सुबह सुबह काफी कोहरा छा रहा अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि फरवरी में तेज गर्मी का कहर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत के कई इलाकों में तो पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अच्छा, वह देखिए कल ही आगरा में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई और इससे दो महिलाएं जिंदा जल गई। घर में शादी ब्याह के लिए तिलक समारोह की तैयारी चल रही थी तभी ये बड़ा हादसा हो गया और खुशियों का माहौल पूरा मातम में बदल गया। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान के नाम पर 72 प्लॉट हैं। फतेहपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉटमेंट है। जब इन्वेस्टर्स के लिए जगह ढूंढी गई तो सच सामने आया। यूपी सरकार के ये कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान। अभी वो विवादों में गिर गए क्योंकि उनके नाम फतेहपुर में 72 भूखंड आवंटित मिले हैं। सवाल ये है कि आखिर एक मंत्री के पास इतनी ज्यादा करोड़ों की संपत्ति कैसे हो सकती है। जाहिर सी बात है, कुछ तो गड़बड़ घोटाले होते हैं तभी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद मंत्रियों के पास होती है। वही देखिए बड़ी खबर, भाजपा की जीत का रोडमैप तैयार करेंगे नड्डा और अमित शाह। 28 फरवरी को सहारनपुर और अमरोहा पहुंचकर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। बड़ी खबर देखिए, दरोगा के एक बेटे ने लखनऊ में 800 बैंक खाते खोले। स्कॉलरशिप घोटाले में ईडी ने कॉलेज प्रबंधन से जुड़े 110 लोगों को नोटिस भी भेजा। आजकल आपको पता होगा ईडी यूपी में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रही है और इसमें पता चला एक पुलिस कांस्टेबल दरोगा का एक बेटा जो लखनऊ में 800 बैंक खाते खोले हुए हैं छात्रवृत्ति के घोटालों के लिए। वह देखिए बड़ी खबर, राजनीतिक बयानबाजी पर कि देश में मोदी नहीं बल्कि अडानी की सरकार है। प्रयागराज में इमरान प्रताप गठी बोले, भाजपा ने राहुल की छवि खराब करने में करोड़ों रुपए खर्च किए। बड़ी खबर देखिए, ब्लैक बुल्स ने जीता कैंट बोर्ड कॉर्पोरेट मैच। मेरठ कैंट बोर्ड कॉर्पोरेट T20 ट्रॉफी 2022-23 मैच का समापन हुआ। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों को शॉपिंग मॉल की तरह एक ही छत के नीचे मिलेंगे उर्वरक, बीज, कीटनाशक और इसके लिए 6 एग्री जंक्शन खोले जाएंगे। हाथरस से इसकी शुरुआत होने जा रही है और धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में ये एग्री जंक्शन खोले जाएंगे। ये कुछ ऐसे जंक्शन होंगे दोस्तों जहां एक ही छत के नीचे किसान भाई लोगों को अपनी खेती की जरूरतों से जुड़ी सारी चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। जैसे अभी आप डीमार्ट वगैरह में जाते हैं ना, ग्रोसरी के सारे आइटम एक साथ मिल जाते हैं, वैसे ही एग्री जंक्शन में किसान भाई लोगों के लिए सारे सामान एक जगह मिल जाएंगे, है ना। अच्छा, मैं देखिए अयोध्या की एक पुलिस चौकी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें कुर्सी पर कुत्ता बैठा हुआ दिखता है। थाना इनायत नगर के सागंज पुलिस चौकी का यह मामला, खाली पड़ी कुर्सी पर कुत्ता आराम फरमा रहा थाने में, देखिए मतलब। चलिए बड़ी खबर है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का 27 फरवरी को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शुभारंभ करेंगे। प्रभारी मंत्री बोले कि बलिया की झोली नहीं रहेगी खाली, 250 करोड़ का मिलेगा तोहफा। बलिया में ग्रीन फील्ड ये एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है और इसके शिलान्यास के लिए केंद्रीय नितिन गडकरी 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश बलिया आ रहे हैं। अच्छा, अगला अपडेट है, स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ अयोध्या में और 1336 मरीजों का हुआ इलाज। चर्म रोग और पेट रोग के सबसे ज्यादा मरीज मिले। बड़ी खबर देखिए, जींस पहनने से रोका तो मां ने बेटी को मार दिया। 50 फीट गहरे कुएं में फेंकी 4 साल की बच्ची और फिर हादसा दिखाने की कोशिश की गई। प्रयागराज में एक मां ने अपनी 4.5 साल की बच्ची को 50 फीट गहरे कुएं में फेंककर उसकी हत्या कर दी। पति का कहना कि उसकी पत्नी
घर में जींस और सूट पहनकर घूमती थी, उसका रहन सहन भी सही नहीं था। इन बातों को लेकर ये लड़ाई होती है। देखिए मतलब कितने मासूम बच्चे हैं और इसकी कितनी बेरहमी से जान ले ली गई। जब ऐसी खबरें देखता हूँ ना तो मानो यूं लगता है दोस्तों गौर कलयुग आ चुका है। अब देखिए कहाँ कपड़े पहनने के मसलों के बीच इस मासूम की जिंदगी क्यों छीनी। अगली बड़ी खबर आ रही है, घर घर जाकर होगी टीबी मरीजों की खोज। प्रयागराज में भी इस तरह का विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। 3 मार्च तक ये अभियान चलेगा। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 20 फरवरी से विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर लोगों में जांच की जाएगी और टीबी मरीजों का पता लगाया जाएगा। वही देखिए बड़ी खबर, युवाओं के साथ खूब दौड़े जितिन प्रसाद और कहा कि युवाओं का फिट रहना बहुत जरूरी है। खेल में जीतना और हारना तो बाद की बात है, सबसे पहले आपकी फिटनेस जरूरी है। लखनऊ में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर यह हाफ मैराथन हुई। इसमें लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने खुद हिस्सा लिया और मैराथन में उन्होंने भी दौड़ लगाई, साथ ही विजेताओं को सम्मानित किया। वही देखिए बड़ी खबर, फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 43 जोड़े एक दूजे के हुए, 37 ने फेरे लिए, 6 ने कहा कबूल है। बड़ी खबर है, 16 मार्च से 72 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे बिजली कर्मचारी। संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में लिया गया निर्णय, पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करने की इनकी मांग है। उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी 16 मार्च से बड़ी हड़ताल करने की चेतावनी दी है योगी सरकार को, और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को निर्देश भी भेज दिए गए। वही देखिए बड़ी खबर, प्रभारी मंत्री ने उद्यमियों के साथ बैठक की और बोले कि बलिया में 62 MOU पर हस्ताक्षर हुए। यूपी में विदेशों से 7 लाख करोड़ का इन्वेस्ट बलिया के लिए भी आया। बड़ी खबर आ रही, मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इन्वेस्टर समिट को बताया ऐतिहासिक। सप्पा पर कसा तंज और बोले कि हीरो हीरोइन को बुलाकर डांस कराते थे, हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। वह देखिए, आगरा पुलिस लाइन में लगा निःशुल्क मेडिकल कैंप। पुलिस कर्मी और उनके परिजनों की ECG, BMD, ब्लड शुगर और BP की जांच कराई गई, और आगरा में साथ ही 150 लोगों ने रक्तदान भी किया। वक्ता बोले कि एक व्यक्ति के खून से बच सकती है 3 लोगों की जान। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, गोंडा में सांसद और विधायकों ने किया सड़कों का शिलान्यास। कहा हर गांव तक पक्की रोड बनाना सरकार की प्राथमिकता है, जनता भी साथ दे रही है। गोंडा के धानेपुर में सांसद कीर्ति वर्धन सिंह और महनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने सड़कों के निर्माण का ये शिलान्यास किया। अच्छा बड़ी खबर आ रही, फाइलेरिया के खात्मे को लेकर सर्व दवा सेवन शुरू हुआ। 3000 टीमें देंगी ट्रिपल ड्रग थेरेपी। 2 साल के ऊपर के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, गर्भवती महिलाएं दूर रहें। बाराबंकी जिले में फाइलेरिया रोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है सर्व दवा सेवन, और 27 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। इस अभियान में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए बाराबंकी जिले में लगभग 3000 टीमों का गठन किया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, बस्ती में सृजित होगा 94 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान बोले कि 191 उद्यमियों ने 13,681 करोड़ का MOU साइन किया बस्ती के लिए। अच्छा वहीं देखिए, प्रदेश के अस्पतालों में इलाज ट्रीटमेंट की क्वालिटी को सही करने के लिए 81 अस्पतालों को मिला NQS सर्टिफिकेशन, और 5000 कर्मी SBA की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, ताकि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों को बेहतर क्वालिटी वाले बनाए जा सके। अच्छा अमरोहा में भी RSS ने लगाया रक्तदान शिविर। जिला प्रचारक बोले खून की कमी से नहीं जानी चाहिए किसी की जान, सभी करें ब्लड डोनेट। शाहजहांपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। 40 जिलों के व्यापारी इसमें शामिल हुए। अध्यक्ष बोले कि सभी विभागों के सर्वे और छापे का करेंगे विरोध। लखीमपुर में स्टंटबाजी करने वालों पर कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच ने 12 लग्जरी गाड़ियों को सीज किया और 2,14,000 का जुर्माना भी लगाया। बड़ी खबर है, शाहजहां की कब्र पर चढ़ाई गई 1480 मीटर लंबी चादर। ताजमहल में उर्स के अंतिम दिन पूरे दिन एंट्री फ्री रही कल और 40,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। वहीं देखिए गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से लेकर एयरपोर्ट तक आपको स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलेगी। गली में कला, ये पेंटिंग के तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों और स्लोगन के माध्यम से भारत की संस्कृति के बारे में दीवारों पर बताया गया। बड़ी खबर है, रोटी बैंक ने तुर्की के भूकंप पीड़ितों को भेजी मदद। उत्तर प्रदेश के महोबा से दिल्ली स्थित दूतावास तक ये राहत सामग्री भेजी जा रही है। सभी धर्म के लोगों ने इसमें योगदान भी दिया। वहीं देखिए अखिलेश यादव के समर्थन में बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जातीय जनगणना होनी चाहिए, देश के हित के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा अमेठी में आम आदमी पार्टी का बुलडोजर आहुति यज्ञ का आयोजन हुआ। कानपुर की घटना पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी। बुलडोजर की आहुति देकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया। वह देखिए वकीलों की सुरक्षा के लिए बार काउंसिल उठाएगी बड़ा कदम। मनोज मिश्रा बोले अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। जिला अस्पताल में 50% मरीज खांसी के पहुंच रहे हैं, डेटा है अयोध्या का। यहां मरीज बढ़े तो सिरप की किल्लत हुई, मरीजों को एंटी एलर्जी दवाइयां भी दी जा रही हैं। अच्छा वह देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि पर कानपुर पहुंची फरमानी नाज। ये वही सिंगर है दोस्तों जिन्होंने वो गाना गाया था, आपने जरूर सुना होगा, हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु। तो कानपुर में इन्होंने एक बार फिर से लाइव परफॉर्मेंस की और इनके गाना गाते ही झूम उठे हजारों दर्शक। दरअसल महाशिवरात्रि पर कानपुर में स्वरूप नगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हर हर शंभू गाना गाकर फेमस हुई सिंगर फरमानी नाथ समेत बॉलीवुड के नामचीन गायक भी पहुंचे। और इनकी सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, एक मुस्लिम होकर के भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के लिए जो इन्होंने भजन गाया, हिंदू मुस्लिम धार्मिक मतभेद को मिटाते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल पेश की है।
वाकई में फरमानी नाच को दिल से सैल्यूट यार। एक लाइक तो बनता है इनके लिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अपन सीधा आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप, जालौन में प्रभारी मंत्री ने निवेशकों के साथ बैठक की और बैठक के बाद बोले प्रभारी मंत्री, जालौन सहित बुंदेलखंड के 7 जिलों में 908 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। अच्छा, वही बड़ी खबर है, भदोही के सीतामढ़ी सहित 3 धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। 5,59,00,000 की कार्य योजना को शासन ने दी स्वीकृति, जल्द ही यहां विकास कार्य शुरू होंगे। अच्छा, हमीरपुर में 40 दिव्यांग जनों को दी गई मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने समारोह के दौरान वितरित की ट्राई साइकिल। बड़ी खबर है, वाराणसी को मिलेगी 30 CNG बसें, चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। परिवहन विभाग ने कहा कि शहर में इससे प्रदूषण कम होगा। अच्छा, फरुखाबाद बस स्टैंड मंदिर के पास भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। 10,00,000 रुपए का टेंडर पास हुआ, इसके लिए मंदिर के सामने जगह चिन्हित की गई। वही देखिए, आगरा किले में लगी साउंड चेक करने वाली मशीन, आज शिवाजी महाराज की जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम G20 लाइट एंड शो के बाद दिखी थी दरारें। बड़ी खबर है, PCS 2022 के इंटरव्यू आज से शुरू होने जा रहे हैं। साक्षात्कार के लिए कुल 1,017 अभ्यर्थी बुलाए गए, 15 अप्रैल तक घोषित होंगे अंतिम परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रवर अधीनस्थ सेवा के परीक्षा के लिए इंटरव्यू आयोजित होने जा रहे हैं। वही देखिए दोस्तों, हाटा में गरीबों को नहीं मिल रहे आवास, कुशीनगर जिले के हाटा की ये घटना है। फोटोकॉपी कराते कराते हुए परेशान, बोले न जाने अब कब मिलेगा आवास। यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का फायदा लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा। बड़ी खबर है, मिर्जापुर में मजदूरी की मांग को लेकर तहसील पहुँची महिलाएं, बोली अब भूखे पेट रहा नहीं जाता, SDM ने भुगतान का आश्वासन भी दिया। वही देखिए, ताज महोत्सव में 10 दिन लगेगा IMA का मेडिकल कैंप, पहली बार आयोजित हो रहा है शिविर, SNMC और चिकित्सा संगठन करेंगे सहयोग। आगरा में ताज महोत्सव में पहली बार निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा, ये पहल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की तरफ से की गई है। वही देखिए बड़ी खबर, बिन बारात शादी करने वाले युवाओं ने पेश की मिसाल, गाजीपुर में 40 युवाओं को सम्मानित किया, समाज में व्याप्त कुरीतियां हुई समाप्त। बड़ी खबर देखिए, प्रयागराज से कई शहरों के लिए अब आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। एयरलाइंस एयर इंडिया की तरफ से ये नया संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। महाकुंभ 2025 को देखते हुए प्रयागराज को विभिन्न शहरों से जोड़ने का प्रयास जारी है, और इसी बीच ये सीधी फ्लाइट की सुविधा शुरू की गई है। बड़ी खबर आ रही है, उन्नाव में 9 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ड्रग वेयर हाउस, जहां निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका। लखनऊ से दवाइयां नहीं मंगानी पड़ेगी, अब कंपनियां सीधे यहां भेज सकेंगी। अच्छा, वही देखिए, अंबेडकर नगर से गुजरने वाली 15 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया उत्तर प्रदेश रेलवे की तरफ से ये अपडेट है। रेलवे लाइन के दोहरीकरण के चलते 19 से 27 फरवरी तक ये रूट डायवर्जन रहेगा। वैसे रेल यात्रियों के लिए एक अलर्ट ये भी आ रहा है, दोहरीकरण के कारण कई सारी ट्रेनें निरस्त भी की गई है, कईयों का मार्ग परिवर्तित किया, तो आप भी अपनी रेल यात्रा करने से पहले जरूर चेक कर ले आना। अच्छा, UPGIS का डेटा सामने आ रहा है कि नोएडा बना नंबर 1। MSME सेक्टर के लिए 18,693 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 392 कंपनियों ने MOU साइन किए। वही देखिए, यूपी के धार्मिक नगरी में भी निवेशक बढ़े, बात हो रही है लखनऊ की। यहाँ MSME सेक्टर में सभी 75 जिलों में साइन किए गए MOU, जिनमें नोएडा में सबसे ज्यादा हुआ है। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 11 करोड़ के चालान कटे, बाइक चलाने पर 20,000 का जुर्माना, CCTV में देखे तो घर पहुंचेगा आपका चालान। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 1.5 महीने में करीब 11 करोड़ रुपए के चालान कटे, और वो भी इसलिए क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया और तिपहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, फिर भी लोग बाग मोटरसाइकिल टेम्पो वगैरह चलाते हैं, जबकि 2-व्हीलर इस एक्सप्रेसवे पर ले जाना ही बैन है, क्योंकि ये बहुत सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे है और यहां पर 2-व्हीलर 3-व्हीलर से एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ सकती है, इसलिए सिर्फ 4-व्हीलर के चलने की ही इजाजत है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अलीगढ़ का पहला ग्राम न्यायालय गबाना में हुआ शुरू, गांव की अदालत में रखे जाएंगे कई सारे मामले। बड़ी खबर है, वीडियो कॉल करके जांची जाएगी डॉक्टरों की हाजिरी, PHC व उपकेंद्रों का नए सिरे से होगा सत्यापन। जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां डॉक्टर अक्सर अपनी ड्यूटी नहीं देते हैं, तो अब उनकी वीडियो कॉल के जरिए जानकारी ली जाएगी और अटेंडेंस लगाई जाएगी। इस तरह का नया नियम लागू कर दिया योगी सरकार ने। अच्छा, वैसे बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद शुरू होंगे साथिया कॉर्नर, जहां किशोरों को दी जाएगी स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी। उत्तर प्रदेश के 36 कॉलेजों में बोर्ड परीक्षा के बाद ये साथिया कॉर्नर शुरू किए जाएंगे। वही देखिए बड़ी खबर, अलीगढ़ में 350 साल पुराने बिलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, 30 मार्च से इसका रीडेवलपमेंट का काम शुरू होगा। बड़ी खबर देखिए, बलिया पर बनेगी फिल्म, मॉन्टेनेग्रो की राजदूत जेनिस दरबारी ने पत्रकारों से बातचीत में कही ये बड़ी बात। अच्छा, वही देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 आध्यात्मिक शहरों को भी मिलेंगे 4,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर, पर्यटन होटल शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें अयोध्या काशी मथुरा चित्रकूट सीतापुर मिर्जापुर वगैरह ऐसे 7 प्रमुख शहर शामिल है। वही देखिए बड़ी खबर, कैंसर पीड़ितों के लिए गुड न्यूज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंसर पीड़ित अब महामाना कैंसर संस्थान में भी अपनी जांच करा पाएंगे। अच्छा, कानपुर के कलम नई बातें लिखने को तैयार हैं, शहर में बन रहे फाउंटेन पेन और निब की विश्व भर में धूम देखी जा रही, 20 देशों में निर्यात किए जा रहे हैं कानपुर में बन रहे कलम पेन को। बड़ी खबर देखिए, वाराणसी एयरपोर्ट से बंगलुरु की 3री विमान सेवा शुरू हुई, अकासा एयर के पहले विमान से गए यात्री। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आह्वान किया है कि स्वयं सेवक चलाएं एक वृक्ष राष्ट्र के नाम अभियान। वही देखिए, मिर्जापुर में श्रद्धालुओं के लिए विंध्याचल में बनाया
बनाया गया आश्रय गृह है। और होली से पहले हाथरस को भी कुछ नई बसें मिलने की उम्मीद है। ये बसें लखनऊ दिल्ली रूट पर चलेगी। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, चंदौली के भोजापुर में 133 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, लोगों को इससे राहत मिलेगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही समाप्त होता है। वैसे आप यूपी में कौन से जिले में रहते कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।